हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत है। बेबी एस्पिरिन, स्मॉल डोज एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन, ये हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप हाई रिस्क हो तो आपको एक गोली रोज की खानी चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट की मरीज हो, बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो आपको एक गोली 70 से 100 मिलीग्राम के बीच में अगर आप रोज खाते हो, भारत में 75 मिलीग्राम की गोली आती है, अगर आप एक गोली रोज खाते हो तो आपको दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए खा रहे हैं तो पहला हार्ट अटैक होने के चांसेस आपके कम होते हैं। एक नई स्टडी आई है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा पब्लिश हुई है, ये स्पेनिश स्टडी है, जिसमें यह बोला गया है कि इवन प्री हाइपरटेंशन के अंदर में जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 और 140/90 के बीच में है, वो भी अगर एक एस्पिरिन की गोली खाते हैं तो उनको हार्ट अटैक होने की संभावना का तो कम होती है। दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि एस्पिरिन की गोली कब खाएं, ये बेड टाइम पे खाएं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको ये दोपहर में या सवेरे खानी है, बेड टाइम पे अगर आप एस्पिरिन की गोली खाते हो तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं वो भी अगर एस्पिरिन खाते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है, क्योंकि गुस्सा करने में जो हार्ट अटैक होता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन से होता है और एस्पिरिन प्लेटलेट को एग्रीगेट करने नहीं देता। तो कई सारे इंडिकेशन एस्पिरिन के बारे में आई है।